विधानसभा सिकंदरा। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है सिकंदरा विधानसभा सीट। जमुई जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था, तब कांग्रेस के मुश्ताक अहमद शाह पहले विधायक बने थे। इसके बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में एसएसपी केएस विवेकानंद इस सीट से चुनाव जीते। इसके बाद 1969 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रामेश्वर पासवान विधानसभा पहुंचे। 1977 में जेएनपी के टिकट पर नगीना चौधरी जीतने में कामयाब हुए। 1980 में रामेश्वर पासवान ने वापसी की और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। फिर 1985 में वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते। 1990 में सीपीआई के प्रयाग पासवान ने रामेश्वर पासवान से सीट छीन ली। 1995 में हुए चुनाव में प्रयाग पासवान सीपीआई के टिकट पर तो 2000 में हुए चुनाव में केएसपी के टिकट पर जीते। इसके बाद 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में रामेश्वर पासवान एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में रामेश्वर पासवान जेडीयू के टिकट पर जीते और 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी जीतने में कामयाब हुए। सिकंदरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में ही क्षत्रिय कुंड ग्राम जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मस्थली है। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुधीर कुमार इस सीट से चुनाव जीते। सुधीर को कुल 59,092 वोट मिले। दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुभाष चंद्र बोस रहे। बोस को कुल 51,102 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सीपीआई के गिरिजा चौधरी रहे। गिरिजा को कुल 8,026 वोट मिले। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो जेडीयू से रामेश्वर पासवान इस सीट से चुनाव जीते। रामेश्वर पासवान को कुल 39,829 वोट मिले। दूसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुभाष चंद्र बोस रहे। बोस को कुल 27,468 वोट मिले। तीसरे स्थान पर 8,888 वोटों के साथ सीपीआई के महादेव प्रसाद रहे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो पहले नंबर पर जेडीयू के रामेश्वर पासवान रहे। रामेश्वर को कुल 38,060 वोट मिले। दूसरे नंबर पर आरजेडी के प्रयाग चौधरी रहे। चौधरी को कुल 22,695 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे महादेव प्रसाद रहे। प्रसाद को कुल 14,228 वोट मिले। पिछले तीन नतीजों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेडीयू और आरजेडी का ही अधिकतर कब्जा रहा है। इस बार के चुनावी गणित में देखना होगा कि कौन इस सीट पर फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।